वही अपर जिला सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्णायक धारी भी हैं। तीन खाद्य जैसे दुकानदारों को जुर्माना किया गया है, जिनमें बाबू लेन के मिसर कुमरान एवं संत के मालिक श्री के एस सत्यशीलन, स्कूल लाइन के मिसर फसाना, स्टोर के मालिक श्री सैयद अलवी तथा अवर्जिन के आनंदा रेस्टोरेंट के मालिक भी मौजूद थे। तो मानक अधिनियम 2006 की संबंधित धाराओं के उल्लंघन के लिए जुर्माना किया गया। अपने कारोबार क्षेत्र में प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री भंडारण वितरण के लिए श्री एस के सत्यशील तथा श्री सैयद अलवी का 33,000 रुपए का, एम देवेंद्र राव का 5,000 रुपए का जुर्माना किया गया। इस बीच तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध पर सूचना शिक्षा संपर्क गतिविधि के भाग के रूप से दक्षिण अंडमान की खाद्य सुरक्षा इकाई द्वारा गत 21 नवंबर को मिडिल पॉइंट स्थित राजकीय निर्देशक भविष्य विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तंबाकू तथा इसके बुरे प्रभावों के बारे में पावर पॉइंट प्रस्तुति तथा वीडियो क्लिप दिखाई गई। दक्षिण अंडमान की खाद्य सुरक्षा इकाई से संबंध खाद्य सुरक्षा अधिकारियों श्री एस एस संतोष तथा श्रीमती सरीना नदीम ने कार्यक्रम का संचालन किया। दक्षिण अंडमान के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति में एक बार फिर से सभी खाद्य व्यवसायियों और दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि वो अपने पास प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद का भंडारण नहीं रखें और न ही इसकी बिक्री अथवा वितरण करें, अन्यथा नियम अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।